श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण सातवां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मंदिराचल पर्वत पर चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके उनके मद को चूर्ण करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान श्री सदाशिव को मोहित करें। भगवती आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो। ब्रह्मा और भगवान श्री सदाशिव को मोहने का भाव और इसके लिए मुझसे सहायता, जो कुछ तुम कर रहे हो यह भगवान श्री सदाशिव की निंदा है, यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान श्री सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही कहो, भला निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र अवतार धारण किया। भगवान श्री सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी हैं, तुम्हारे और श्री विष्णु जी के भी स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं विस्मित हूँ कि यह विमूढ़ता तुम्हें कहाँ से आ गई। आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यानावस्था में हो गई। उसी अवस्था में उनको भगवान श्री सदाशिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मेरी ही इच्छा से ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूंगी कि शिवजी जिससे मोहित होकर स्वयं विवाह कर लें। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इसकी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है, तो भी मैं उनको मोहित करने की चेष्टा करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई और मैंने जाकर यह शुभ समाचार अपने पुत्रों को सुनाया। शिव पुराण सातवां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।